वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे, यानी रविवार के दिन आपको मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे 13 जून से लेकर 19 जून तक वो टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने सुबह इंडिया करंट की लाइव क्लास में पढ़ा, यानी कि पिछले एक सप्ताह में 7 दिनों में हमने जो कुछ भी सुबह इंडिया करंट में पढ़ा। तो संडे के दिन आपको इसका वीकली टेस्ट मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चनों का। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज। तो साथ साथ मुझे लाइव कॉमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? चाइना देश ने। किस देश ने? चाइना देश ने जारी किया है। तो जो संडे के दिन आपको ये वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन मिलता है, अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपको पता है अभी LDC हाईकोर्ट का एग्ज़ाम है जो रद्द हो चुका है, तो उसके लिए दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिया करंट उसके लिए। उसके बाद में 2 जुलाई को राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है और वीडियो मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको इंडिया करंट बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू COVID-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है? तो किसने जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू COVID-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है? ये किया है, ध्यान रखना, नरेंद्र सिंह तोमर ने। हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा ये COVID-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया है। अगला देखो, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इनस्पेक्स का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में NSPSC का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कहाँ पर उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है हाल ही में NJ ओझा को। किसको? NJ ओझा को हाल में मनरेगा लोकपाल है नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है कब? 12 जून को। कब मनाया गया ये? 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी एक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसके अनुसार गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में लॉन्च होगा? जो गगनयान है वो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में लॉन्च होगा, किसके अनुसार? तो ध्यान रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। किसको नियुक्त किया है? अमनदीप सिंह गिल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? ये की है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या है अभी YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक शीर्षक वाली पुस्तकों का विमोचन किया है? तो किसने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक शीर्षक वाली पुस्तकों का विमोचन किया है? ये किया है, ध्यान रखना, धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता है? अब की पहले टॉप पे चल रहे थे विश्व के नंबर 1 जो शतरंज खिलाड़ी थे मैग्नस कार्लसन, लेकिन उनको 2 बार हरा दिया है हमारे भारतीय जो आर प्रज्ञानंदा है। तो अब की बार उन्होंने क्या है, ग्रुप ए शतरंज टूर्नामेंट है जीता है। हाल में राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, यह किस राज्य के हैं? तो ध्यान रखना, राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और ये किस राज्य के हैं? तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, केरल के मुख्यमंत्री ने। तो केरल के कोच्चि शहर में क्या है, अभी मुख्यमंत्री जी ने कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर हुआ है स्विट्जरलैंड का शहर है एक जिनेवा, वहाँ पर क्या है अभी विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव किस महिला को नियुक्त किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव किस महिला को नियुक्त किया है? तो रबाब फातिमा को। किसको नियुक्त किया है? रबाब फातिमा को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्रदान की है? यानी कि डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्रदान की है, तो हमारे जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने क्या है उद्योगपति रतन टाटा को क्या है डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्रदान की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बनी है। तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बनी है महारानी एलिजाबेथ। कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ। अगर आपसे प्रथम पूछे तो लुई चौदहवीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रथम आपसे पूछे तो लुई चौदहवीं और दूसरे पूछे तो महारानी एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा की राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मई 2022 के लिए ICC मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द अर्थ मंथ किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है? तो एक तो एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन, इन दोनों को किया है अब की बार मई 2022 के लिए ICC मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है, इनको दो खिलाड़ियों को चुना गया है। हाल में विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2022 मनाया गया है कब है? 14 जून को। कब मनाया गया ये? 14 जून को। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है किसने? ये किया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने। तो ध्यान रखना, कर्नाटक की राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में NCPCR का बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? NCPCR का मतलब होता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये क्या है का बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 12 जून से ये 20 जून के मध्य मनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला देखो, हाल में किस महाद्वीप के सबसे लंबे दांत वाले हाथी बोगेश्वर की प्राकृतिक कारणों से मौत हो चुकी है? कितना शानदार क्वेश्चन है भी, ये किस महाद्वीप का था? ये था एशिया महाद्वीप का, और अभी सबसे लंबे दांत वाले इसका हाथी है, इसका नाम क्या है? बोगेश्वर। इसकी क्या है? प्राकृतिक कारणों से मौत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर शुरू किया गया है? बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। उनका खेल ध्यान रखना किससे है, ये भाला फेंक से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 का खिताब जीता है एक तो विक्टर एक्सलेसन और चेन यूफी, इन दोनों ने क्या है अब की बार है BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 का खिताब जीता है। पुरुष एकल में पूछे तो विक्टर एक्सलेसन पुरुष एकल में और चेन यूफी ये जो महिला एकल में, इन्होंने ये खिताब जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखना, स्वर्ण पदक इसने जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में PM मोदी ने किस शहर में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने किस शहर में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? कहाँ पर है? पुणे शहर में। कहाँ पर उद्घाटन किया इसका? पुणे शहर में। अगला देखो, हाल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश बना है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश बना है कौन सा? रूस बना है। और पहला कौन सा है? इराक। पहला कौन सा है? इराक। और दूसरा बना है रूस। दूसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश। अगला देखो, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये है केरल। कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? अभी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में केरल सबसे टॉप पर है। अगला देखो, हाल में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया, ध्यान रखना, बेल्जियम में। कहाँ पर किया गया है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर किया है। अभी पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श देश इसमें बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को किन दो शहरों के बीच में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ध्यान रखना, अभी भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर तथा शिरडी के बीच में क्या है? भारत की पहली निजी ट्रेन इन दो शहरों के बीच में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? मुंबई शहर में। यहाँ पर किया है? मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो आरती प्रभाकर को क्या है? अमेरिका, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में इसको नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने घोषणा की है कि मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी? तो अभी मार्च 2023 तक क्या है? भारत में 5G सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी, ये घोषणा की है हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, उन्होंने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में वैश्विक रिपोर्ट एशिया में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना, शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। अगला देखो, हाल में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। किस शहर में? हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू हुआ है। अगला देखो, हाल में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। ये हमारे पूर्व मुख्य जो न्यायाधीश थी, इनको अभी क्या है? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने NM Ezhuthum योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने NM Ezhuthum योजना शुरू की है? ये की है तमिलनाडु ने। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। अगला देखो, हाल में किस देश ने चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? तो आपको पता है चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये किस देश ने? भारत ने अभी किया है बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है? किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है? ये हुआ है मिस्र में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? मिस्र देश में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम किस हवाई अड्डे ने लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? मुंबई का हवाई अड्डा है कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मुंबई में है। इसने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में UPI और रुपए कार्ड अब किस देश में चलेंगे? तो ध्यान रखना, अब की बार ये नेपाल में चले थे, सिंगापुर में चल रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे हैं। जो भारत के जो UPI प्रणाली है, ये अब चलेंगे कहाँ पर है? किस देश में चलेंगे? फ्रांस देश में अब इनको चलाया जाएगा। किसको? UPI कार्ड और रुपए कार्ड को। अगला देखो,
हाल ही में IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो अभी IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान है 37वां स्थान। कौन सा? 37वां स्थान। अगला देखो, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है 17 जून को। कब मनाया गया ये? 17 जून को। तो ये टॉप 47 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। वीकली के दिन आपको हमारा ये रिवीजन चल रहा था, क्योंकि संडे के दिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली आपको मेरी जो सुबह मैं इंडिया करंट की क्लास लेके आता हूँ उसको आपने यस्टरडे डोज मिलता है, उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, उसके बाद में महीना कंप्लीट होने के बाद पूरा मंथली आपको मिलेगा, और आपको अब 6 मंथ का वीडियो मिलने वाला है। तो उसके लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहें, अब कि जल्द ही वीडियो तैयार होने वाला है, तैयार हो रहा है, उसकी PDF बन रही है, और जल्द ही 6 मंथ का वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो लगातार आप सुबह मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। क्वेश्चन आपका इंडिया करंट का गलत है नहीं होगा, क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।